वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल HST वर्ल्ड। दोस्तों मैं हूं सुमन शर्मा, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा जो है यूरिक एसिड के शिकार होते हैं उन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग उनको महसूस होती है, जैसे कि सूजन उनके पैरों में आ जाती है, हाथों पैरों में स्वेलिंग उनको महसूस होती है। तो इससे उनके लक्षण जो है शो हो जाते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको भी बजा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो हम खाते हैं या किस तरह का भोजन हम लेते हैं, किस तरह का खान पान का हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जो है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो सकती है। और साथ में अगर आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी किडनी पर भी इफ़ेक्ट करने का इसका चांसेस बढ़ जाते हैं कि किडनी में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों हमें जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। आपने अक्सर उन लोगों को देखा होगा जिन लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा उनके जोड़ों में दर्द रहना और पैरों में हाथों में दर्द रहना, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। और वो कुछ भी खाते हैं तो उनको जो है एक अलग सा महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन उनको महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी मैंने बता रखा है किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। पर आज मैं कुछ ऐसे देसी नुस्खे आपको बताऊंगी, इस तरह के उपाय बताऊंगी जिनको करने के बाद जो है आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक जो है आपके कंट्रोल में यूरिक एसिड की समस्या आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्या होते हैं ये नुस्खे। पहले तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि यूरिक एसिड के अंदर जो है ये हमारी बॉडी का एसिड बढ़ा देता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो है उसका शो करने लग जाती है। एसिड की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वो हमारे हाथों पैरों में स्वेलिंग के रूप में, मुंह पे स्वेलिंग, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम जो है देती है। तो क्या होता है कि जब भी आपका यूरिक एसिड आपको लगे कि बढ़ रहा है, एक तो हमें क्या है, जब सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको पानी पीना है, जिससे जो है आपके शरीर की फिल्ट्रेशन अच्छी रहे और आपके शरीर के जो भी अम्ल है, जो भी एसिड है वो सारा जो है बाहर निकल जाए, किडनी के थ्रू जो है यूरिन पास हो जाए। इस तरह से जो है हमारे बॉडी की जो है डिटॉक्सिडेशन हो जाती है और जो हमारे बॉडी के जो है बैड टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें जो है पानी कम से कम पीना चाहिए। जिन लोगों को जो है यूरिक एसिड की समस्या रहती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी जो है दिन में पीना चाहिए, जितना हो सके उतना पीना चाहिए, लगभग 3-4 लीटर तो उनको पीना ही चाहिए। उसके बाद जो है दूसरा होता है कि आपके पैरों में अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, आपको दर्द रहता है, जैसे रात को नींद नहीं आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है एक कप या दो मग्गे जो है 3-4 मग्गे के हिसाब से जो है आपने पानी गर्म कर लेना है अच्छी तरह, उसको गर्म करके जो है उसके बाद जितना आप सहन कर सकते हो उतना गर्म आपने कर लेना है और उसके अंदर जो है थोड़ा सा चुटकी भर जो है आपने सेंधा नमक डाल लेना है और उसको जो है रात को सोती बार आपने उस पानी के अंदर अपने पैरों को डीप करना है। डीप करके कम से कम 15-20 मिनट उसमें रखना है और उसके बाद जो है आपने पैरों को साफ कर लेना है या सुखा लेना है। उससे जो है आपके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, उससे भी जो है आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, कंट्रोल तो नहीं होगा पर राहत आपको मिलेगी अगर आपके यूरिक एसिड की वजह से आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग आ गई है। और उसके बाद जो है हमें सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल को आपने कोसा करके जो है हल्का सा गर्म करके जो है उसको अच्छी तरह से उसकी तलवों पे, हाथों के तलवों पे, पैरों के तलवों में मालिश करनी है। इससे भी जो है आपको यूरिक एसिड जो है आपके उससे राहत मिलेगी, उसकी पेन से आपको राहत मिलेगी और जो है आपके पैरों में जो स्वेलिंग आई है उसको भी आपको निजात मिल पाएगी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में, आपने सुना होगा जैतून का तेल बहुत अच्छा रहता है, तो आपने जैतून के तेल की भी आप मालिश कर सकते
सकते हो, उससे भी जो है आपके शरीर की पेन को रिलीफ मिलेगा और साथ में आपके शरीर के अंदर जो स्वेलिंग आई है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों क्या होता है, यूरिक एसिड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बनना स्टार्ट होता है, तब जाके जो है हमारे यूरिक एसिड की समस्या होती है। और अक्सर उन लोगों को ये ज़्यादा होती है जो लोग बहुत तला हुआ खाते हैं या बहुत मिर्च मसाले वाला खाते हैं या फिर मीट मांस का या यूज़ ज़्यादा करते हो जैसे, और ड्रिंक वगैरह आप ज़्यादा करते हो तो भी आपके शरीर के अंदर जो है यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर देते हो तो यूरिक एसिड की समस्या से हमें जो है राहत मिल सकती है, आप जो है बहुत हद तक जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।